लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल, आप लोगों को एक बात बतानी थी, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत फन कर रहे हैं, लेकिन ट्रैवल का सबसे स्ट्रेसफुल पार्ट जो है वो है पैकिंग, एंड स्पेशली इन द टाइम्स लाइक दीज, जब सब चीज़ें इधर उधर हो चुकी है तब तो पैकिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वीडियो जो है ये पैकिंग के ऊपर है। तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे जा रहा हूँ 4-5 दिनों के लिए। क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, ये सब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो में स्ट्रेसफुल पार्ट हम कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं पैकिंग। आप देखिए कि मैं क्या क्या पैक कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, स्ट्रेसफुल पार्ट, इन्जॉय। दुनिया में हर इंसान का एक ना एक डर ज़रूर होता है, कोई ना कोई चीज़ से डर बहुत लगता है। मुझे भी एक चीज़ से बहुत डर लगता है जिसके वजह से बैग्स जो है वो मैं खुद नहीं निकालने वाला हूँ। जो बड़ा बैग है मैं इस वक्त वो यूज़ करने वाला हूँ मेरे पैकिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारा सामान है और बड़ा बैग मैं खुद नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और मेरा डर किस चीज़ से है ये मैं आपको बताता हूँ, छिपकली से। हंसने की ज़रूरत नहीं है, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। डर क्या लगता है, मुझे घिन मचती है उससे, इसलिए मैं खुद नहीं निकालने वाला हूँ। और हमारे यहाँ जो आंटी आती हैं काम करने के लिए, वो हमारे लिए वो बैग निकालने वाली हैं। तो अब आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं, आई होप उनको डर ना लगता हो। ठीक है जी आंटी, बैग निकाल दो। ये हमारी आंटी हैं जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं और इन्हें डर नहीं लगता है छिपकली से। आपको डर नहीं लगता ना, तो ये हमारे लिए बैग निकालने वाले हैं यहाँ पर। और उस वाले बैग में धूल लग गई क्योंकि पिछले 9 महीनों से वो बड़ा वाला बैग यूज़ नहीं किया है मैंने। जो भी ट्रैवल किया है अभी वो छोटा बैग लेके किया है, बड़ा बैग 9 मंथ्स के बाद निकल रहा है। आंटी संभाल के यहाँ प्लीज़। निकालो हाँ ये वाला देखो आंटी, उसको झटक के निकालना। एक मिनट उसको बाहर ही झटको पहले। शांति रखो जरा। 9 मंथ्स बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया है, उसकी धूल देख सकते हो आप। ये देखो नीचे से, देखो नीचे से। हाँ भी करे हो, खिड़की पहले बंद करो, छक्कू याद आएगी तो मुझे जाने नहीं देगा घर के। अगर आ गई ना तो मैं घर के बाहर चला जाऊंगा, फिर आप संभालना। उसने उसका बंदोबस्त करते हो ना। दिस बैग इज नॉट इवन 1 ईयर ओल्ड। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तभी मैंने ये बैग ली थी, लेकिन यूज नहीं हो पाई ज्यादा। कंडीशन देख लो, आपको डर नहीं लगता ये अच्छी बात है। इसको आपको, अरे मैं सांप को मार देती हूँ, इसको क्या सांप मार देते हो आप? हाँ। तो आप देख सकते हो टार्जन के बाद अगर कोई है तो वो ये काटा है सांप ने। आपको सांप ने काटा है? हाँ। फिर क्या भी है? ठीक हो गई, हमारे घर में तो बहुत रहते सांप। गाइस आप देख सकते हैं मैं लड़का होके डर रहा हूँ, ये लेडी होके नहीं डर रही है। मेरे घर के बाद मुझे दस्ते 12 बड़े सांप बड़ा बड़ा देख रहा था। 12 सांप 3 मार दिया उसमें से ना, बाकी का चले गया। अरे बाप रे, जंगल है ना आजू बाजू में, इनका मेरा घर बंद रहता है ना हमेशा, तो उसमें जाड़ी दुड़ूक रहता है तो उसमें हो जाता है। आप किसको दिखा रहे? किसको दिखा रहे हैं ये? हाँ। आपको दुनिया को दिखा रहा हूँ मैं। क्यों? दुनिया को दिखा रहा हूँ कि आप डरते नहीं हो छिपकली से। अच्छा, आप इंस्टाग्राम पे हो क्या? क्या इंस्टाग्राम पे हो क्या आप? मतलब इंस्टाग्राम एक जगह है जहाँ पे सब लोग होते हैं। हाँ। फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, कहाँ हो आप? मी तो किधर भी नहीं। सुखी इंसान की निशानी है ये, कहीं नहीं होना चाहिए। मी किधर भी नहीं। अभी अभी एक ऐसी बात बोली हमारी आंटी ने कि मैं चौक गया हूँ। आंटी जरा बताना क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे आंटी आप? मैं बोल रही हूँ जानवर से नहीं डरती हूँ, जानवर कुछ भी नहीं करते, उसको कुछ छेड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करते, पर इंसान का कुछ भरोसा नहीं, उसके ऊपर डरती हूँ बाबा। तो ये कह रही है कि ये जानवर से नहीं डरती, इंसान से डरती है। वाह वाह, तैयार है पैकिंग के लिए हमारा बैग। यार पैक करते टाइम है ना समझ में नहीं आता रखना क्या है और क्या नहीं रखना है, लेकिन मेरा एक फंडा ये है कि जब भी जाओ तो एक्स्ट्रा सामान लेकर जाओ, ताकि ऐसा ना हो कि यार वहाँ जाके लगे कि यार हम लेकर आए होते तो अच्छा हो जाता, पर
एनीवे मैं दो कपड़े एक्स्ट्रा ही रखने में बिलीव करता हूँ। पहले मैं नहीं रखता था, लेकिन दो तीन बार ऐसे एक्सपीरियंस हो गया तब से सब रखना चालू कर दिया। इतने सारे कपड़े लेके जा रहे हैं, मतलब कहीं इंपॉर्टेंट जगह ही जा रहे हैं, आपको पता चलेगा। ये सूट भी लेके जा रहा हूँ मैं, लड़कियों का सूट है, क्यों लेके जा रहा हूँ वो बाद में पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मास्क, ये भी रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, आई हैव नेवर सब बनवा के रखा है मैंने, काम आता है। आई होप एक्सेस बैगेज ना हो गया। पैकिंग करना है ना एक आर्ट है जो मुझे नहीं आता, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। भगवान का नाम लेना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि बैग बंद होगा कि नहीं होगा। क्या हो गया, बैग बंद हो गया है? बैग इज रेडी। और पैकिंग का काम खत्म हो चुका है, मेरे को करीबन 2 से 2.5 घंटे लग गए सारा चीज़ें पैक करने में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब लगातार 4-5 ब्लॉग्स की सीरीज़ आएगी, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो चीज़ मैं कवर करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक पूरा सीरीज़ ऑफ ब्लॉग्स आएगा, बने रहिए मेरे चैनल पर। दिस इज़ रोहन जोशी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके बाय।